एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आप दोनों में से धुलिया कौन है? मेरी बेइज्जती करते हो? मैं धुलिया लगता हूँ, वो गधा सामने बैठा हुक्का पी रहा है। ओह, आई एम सॉरी। इधर आइए डॉक्टर साहब, आप इस गधे के मुंह क्यों लग रहे हैं? यू आर राइट, हमको तुम्हारा मुंह लगना मानता था। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा बेटी। हाँ? और मेरे वास्ते नहीं, एक बुड्ढा के वास्ते जो दो घंटे के अंदर मरने वाला है। वो शादी करके अपना विधवा के नाम पे 2 लाख रुपए छोड़ के जाना मांगता है। 2 लाख? बीवी के नाम पे या विधवा के नाम पे? तुम गधा होके आदमी के माफक बात करता है? हा? अरे वो बुड्ढा 2 घंटे में मर जाएगा, फिर वो बीवी विधवा बन जाएगा ना। काश आज मेरा कोई बेटी होता तो हम शादी उसका करा के 2 घंटे के अंदर लखपति बन जाते। लखपति तो मैं भी बन सकता था, लेकिन 2 दिन पहले ही मेरी बेटी की शादी तय होगी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी चलेगी क्या? चुप पे गधे, तू क्यों बीच में बकबक कर रहा है? कोई बात नहीं, एक ही बात है। ओके, हम दूसरा छोकरी ढूंढने को जाता है। ठहरिए ठहरिए डॉक्टर साहब, वो बुड्ढा बच तो नहीं जाएगा? ओह नो 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 नो, अब तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम मेरा 5 मिनट बर्बाद किया, अब वो बुड्ढा के मरने में सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट रह गया है। देखो तुम जल्दी करो, मेरे को उसका पोस्टमार्टम भी करने का, जल्दी। मंजूर 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 है। गौरी, परसों तुम्हारे होने वाले ससुराल से शादी का जुड़ा आया है, वो जल्दी पहन लो। 1 घंटा 55 मिनट में हम लखपति बन जाएंगे। उसमें भी 2 मिनट 15 सेकंड खमती हो गया। गौरी कमन, हरी आप जल्दी। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बुड्ढे शादी नहीं करूंगी। गौरी जल्दबाजी मत करो, आंख को खोलो, समझने की कोशिश करो, अपना हाथ से अपने पैर पे खुलाड़ी मत मारो। मेरा ये हाथ इस बुड्ढे को, उस बुड्ढे को काटने के लिए ये हाथ ऐसा तड़प रहा है जैसे कोई हजाम का हाथ दाढ़ी काटने को तड़पता है, समझे? अरे मैं गौरी को समझाता हूँ, वो मेरी बात नहीं टालेगी। ठीक है बाबा, अगर तुम चाहते हो कि मैं 2 घंटे में ही सुहागन से विधवा बन जाऊँ तो मुझे मंजूर। आइए पधारिए पधारिए। देखो केनिया आ गया। केनिया नहीं हजूर, कन्या कही है। वो एक ही बात है। धुलिया, तुम तुम्हारा छोकरी को लेके अंगार के पास बैठो। हम पुरोहित को लेके जाता है अंदर, और तुम्हारा होने वाला दामाद को अंदर लेके जाता है। क्या? अंदर नहीं, बाहर लेके जाता। कम ऑन पुरोहित। गौरी, 1.5 घंटे के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। लखपति, लखपति। आइए दुलिया जी, अपने होने वाले दामाद को देख लीजिए। बेटी बैठो, मैं 2 लाख देख के आता हूँ। हरिओम। आइए। हरिओम। सेठ जी आंखें खोलिए। अरे खोल के क्या करूं, कन्या आ गई। आई? देखो, अरे ये तो बड़ी खूबसूरत लौंडिया है, लेकिन इसके मुंह पे ये काला काला क्या है? सेठ जी ये कन्या नहीं है, कन्या जी के पिता हैं, आपके होने वाले ससुर। ऐसा ऐसा तो प्रणाम ससुर जी, माफ करना, उम्र के साथ साथ नखरे भी जा रही हैं। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर इनकी चीर फाड़ का इंतजाम करने गया है। पूरे 1.25 घंटे बाकी रह गए जी। हाँ। यमदूत सराने खड़ा है, जल्दी करो। अच्छा, मैं इसको संभाल, मैं भी जाता इंतजाम करने, आप इन्हें लेके आइए। हाँ। मेरी एक शर्त है, शादी के पहले 2 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। 2 लाख? हाँ। तुम्हारे 2 लाख मेरे पास है बेटा। बेटा? बेटा नहीं बाप। हाँ? बाप नहीं ससुर। मेरे नीचे है। हाँ? गर्म करके रखा हूँ, निकाल लो। लेकिन ससुर जी, मेरी भी एक शर्त है। क्या? जब तक प्राण न निकले। कौन सा प्राण? मेरे माला प्राण नहीं ससुर जी, जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक तुम ये बक्सा नहीं खोल सकते। अगर खोलोगे तो मैं भूत बन के तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे घूमता रहूंगा। ठीक है मैं जाता हूँ। जाता हूँ कहाँ, अब मेरे में ताकत कहाँ है कि 7 फेरे पूरे लूं, सिर्फ एक ही फेरा ले सकता हूँ, बाकी 6 तो तुम पर चढ़ के करूंगा। 2 लाख मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा मेरे बाप। बाप? नहीं नहीं बेटा। बेटा? नहीं नहीं मेरे जवाई। हाँ जवाई, उठाओ। हे राम। सत्य है। हे राम। सत्य है। गैस लेकर आओ, न तो 1/2 घंटा पहले चला जाऊंगा। पंडित जी, हुकुम करो, जल्दी कीजिए।
सब काम में देर नहीं होनी चाहिए। कन्या भगवान का नाम लेके उठ जाओ, तुम्हारा बार आ गया। आओ महाशिव जी, मैं श्लोक बोलता जाऊंगा और तुम इस पवित्र अग्नि के आगे साथ फेरी लगाना बेटे। दूल्हा आगे जल्दी पड़े जी, जल्दी मुझे लगता है मैं आधा घंटा पहले जाऊंगा। अच्छा होगा, 2 लाख रुपए जल्दी मिल जाएंगे। आप आगे हो जाएं, कन्या को पीछे कर लें। मेरे चरण को अग्नि से संभालो। राम 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 राम। ससुर जी हेलो हेलो। अब सातवां फेरा मैं खुद लूंगा, क्योंकि नहीं तो आपकी भी शादी मेरे साथ हो जाएगी। मेरा गैस का सिलेंडर कहाँ है? दिखाई नहीं देता। अरे कोई बात नहीं, अभी है, अभी बाकी है। गौरी संभालो, भारी है। हट जाओ। राम सत्य है, राम सत्य है। नहीं जा रहा है लेकिन चलूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा सूर जी, अब भी जवानी बाकी है, मटके फूट रहे हैं। राम हेलो। हाँ जी, अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए। मुबारक, बेटी सदा सुहागन रहो। दिखाई नहीं दे रहा सर जी। आगे इनको हार पहना रहा हूँ। मुबारक मुबारक। चलो प्यारी। हाँ प्यारी, नहीं प्यारी उधर। ठीक है, बाप नहीं तो बेटी। चलो प्यारी, सुहागरात मनाए। दिन में सुहागरात। देखो बेटा, बेटा नहीं मेरे बाप, बाप नहीं मेरे ससुर। मेरी उम्र के लिहाज से तो दिन रात एक ही है। चलो प्यारी चलो। ठहर बेटी। बाबा अब मैं कैसे ठहर सकती हूँ? तुमने मेरे साथ फेरे जो इनके साथ करा दिए हैं, अब तो यही मेरे सब कुछ है। चलो प्राणनाथ। क्या कहा? प्रेमनाथ? प्राणनाथ। चलो चलो प्यारी। बाबा के पाँव नहीं छुओगे? जरूर छुएंगे। अरे ये तो मेरे हैं। तो बाप क्या कहा है? भगवान करे तुझे आधा घंटा पहले ही मौत आ जाए। चलो प्यारी। कमलाख कमलाख। दरवाजा मान ला। देगा गौरी, हम कबाब में से हड्डी को कहीं तक निकाला जी। आओ स्वागत मनाएंगे। क्या बोल रहे हो बाबा? बाहर बैठे। या बाप बाहर नहीं बैठेगा तो क्या अंदर बैठेगा? तुम आ जाओ जी। मेरे हाथ में ये क्या पैर को जी? पैर ये भी पैर को। आ जाओ जी, तुम आ जाओ। तुम धोखा? नहीं नहीं, चेक लगता है। चेक देखिए, पढ़िए कितने का है। 2 लाख है। 2 लाख? हाँ है तो 2 लाख का, लेकिन है कंगाल बैंक का। गोपाल बैंक? गोपाल बैंक नहीं, कंगाल बैंक। कंगाल बैंक। हाँ, और इसमें लिखा है। क्या लिखा है? ससुर जी प्रणाम। सपाचट? आपका जवाई सपाचट।